मीसा भारती ने भी अपना मत का प्रयोग किया हमारे साथ। मीसा भारती है, मीसा जी बताइए क्या लगता है? अरे रुकिए ना भाई, कहे बना रहे हैं। मीसा जी क्या उम्मीद है ये बताइए। रुक जाइए, क्योंकि मेरा मत पटना साहिब में था और मैंने अपना मत का प्रयोग किया और पट्टा साहिब के लिए मैं 100% श्योर हूँ कि कुणाल जी जरूर जीतेंगे, क्योंकि वो हमारी आजकल आप पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ी है, वैसे आप वहाँ से वोटर नहीं है, लेकिन आपकी क्या स्थिति है लग रहा है पाटलिपुत्र से? मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत किया है और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिला, अपार समर्थन मुझे मिला, खास करके महिला और युवाओं का, तो 200% श्योर हूँ मैं अपनी जीत के लिए। रामकृपाल जी को लगता है कंपटीशन आपके है, फाइट देंगे आपको? देखिए जैसा कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में 20 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक उम्मीदवार मैं हूं, तो 19 के 19 जो हैं सब तो कंपटीशन में ही हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल बताइए, किस तरीके से यूपी को देखते हैं आप, बिहार में कितनी सीटें ला पाएंगे आरजेडी कांग्रेस? देखिए मैंने आरजेडी के लिए सिर्फ कहा था कि 25+ सीटें लाएंगी आरजेडी, जिस तरह से मुझे लहर दिखा, जिस तरह से वेव दिखा राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में। हम लोग मीसा भारती जो बता रही थी अपनी जीत का लेकर काफी आश्वस्त है, उन्होंने अपना वोट डाला है। वैसे तो पाटलिपुत्र उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पटना साहिब में उनका नाम है वोटर लिस्ट में, यहाँ उन्होंने वोट डाला है और उन्होंने ये आशा भी जताई है कि आरजेडी को जो है जो 27 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ी बीजेपी में, कम से कम 25 सीटें वो जरूर जीतेगी। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।